जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी 2021 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें दिल्ली की रहने वाली श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। उसके साथ साथ सेकंड टॉपर अंकिता अग्रवाल एंड थर्ड टॉपर गामिनी सिंगला रही है। कहने का मतलब है कि टॉप थ्री में तीनों लड़कियां ही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी टॉप पर श्रुति शर्मा कितने घंटे पढ़ाई करती थी। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो टॉप थ्री के कैंडिडेट हैं उनके कितने मार्क्स आए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को जरूर से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि श्रुति शर्मा ने यूपीएससी 2021 में टॉप किया है। श्रुति शर्मा के साथ साथ सेकेंड होल्डर अंकिता अग्रवाल और उसके साथ साथ गामिनी सिंगला ने थर्ड रैंक लाई है। टॉप 10 में 5 गर्ल्स हैं एंड 5 बॉयज। अगर हम लोग मार्क्स की बात कर ले कि कितने मार्क्स आए हैं, तो श्रुति शर्मा के टोटल मार्क्स है 1105, जो कि 54.56% है। उन्होंने मेंस में 1750 में से 932 मार्क्स लाए और इंटरव्यू में उनके 250 में से 173 मार्क्स आए। वहीं पे अगर हम लोग सेकेंड रैंक अंकिता अग्रवाल की बात करें, उनके टोटल मार्क्स 1050 हैं। उन्होंने मेंस में 1750 में से 871 नंबर लाए हैं। वहीं पे इंटरव्यू में 250 में से 179 नंबर लाए हैं। वहीं पे अगर हम लोग थर्ड रैंक होल्डर की बात करें गामिनी सिंगला, तो उनके टोटल मार्क्स 1045 आए हैं, जिन्होंने मेंस में 848 और इंटरव्यू में 187 मार्क्स लाया है। यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा का ये सेकेंड अटेम्प्ट था और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री थी। अब बात कर लेते हैं कि कितने घंटे वो पढ़ाई करती थी। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि यूपीएससी में आपने टॉप किया, आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी, तो श्रुति शर्मा ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करती थी। जब मुझे मौका मिलता था तब मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन हाँ, 8-10 घंटे तो मैं पढ़ ही लेती थी। इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जितना भी पढ़ती थी पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ती थी, पूरा दिल लगाकर पढ़ती थी। ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें, ज़रूरी ये है कि आप जितना भी पढ़ाई करें पूरे मन से, पूरे दिल लगाकर, पूरे फोकस के साथ करें। तो दोस्तों, अगर आपको उनकी ये बात पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किस क्लास में क्या पढ़ाई करें, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।